हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रिल लेयर्स वाली अम्ब्रेला कुर्ती बनाएंगे। ये कुर्ती का फैब्रिक है 5 मीटर और ये लाइनिंग का फैब्रिक है जो 3 मीटर यूज़ होगा। इसमें हम 3 लेयर्स बनाएंगे फ्रिल के। पहले हम नाप को समझ लेते हैं। कुर्ती की फुल लंबाई है 54, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब 56 में से हम बॉडी की लंबाई को माइनस कर देंगे जो 14 इंच है, तो 42 आएगा। अब 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 3 लेयर्स बनाने वाले हैं, तो उसका आएगा 14। 14 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 15। अब 15 इंच लंबाई की हम सारे लेयर्स कटिंग कर लेंगे। अब हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इस तरीके से लाइनिंग के कपड़े को डबल फोल्ड किया है। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमारी कमर की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 इंच पर हम निशान लगाकर इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाकर हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हमारे शोल्डर है 13, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा, प्लस आधा इंच मार्जिन के लिए होगा, तो 7 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब हमारी चेस्ट है 34, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा, 8.5 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हमारी कमर है 28 की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा, यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए होगा। इन निशानों को जोड़ देंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। शोल्डर से यहाँ पर आधा इंच डाउन आके क्रॉस में निशान लगाकर इन निशानों को कट कर लेंगे। यह हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का नाप ले लेंगे जो 9 इंच है। ये नाप हम स्लीव्स के आर्म होल में लेंगे। अब हम फ्रंट साइड की गोलाई देकर इसको कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स लाइनिंग में हम 1/2 इंच रखेंगे जिसकी लंबाई है 5, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे। इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हमने जो आर्म होल की गोलाई का 9 इंच नाप लिया था वो इस तरीके से क्रॉस में रखकर यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा देंगे। स्लीव्स की फिटिंग का नाप है 5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे और इन निशानों को जोड़कर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग की लंबाई कुर्ती की लंबाई से 1 इंच कम रखेंगे, ऊपर से 14 इंच छोड़कर, यहाँ पर 54 है कुर्ती की लंबाई तो 53 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 55 इंच पर निशान लगाकर इसको 4 फोल्ड कर लेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों साइड का घेरा कटिंग हो जाएगा। लाइनिंग में हम 1 ही लेयर लेंगे और कुर्ती में 3 लेयर लेंगे। अब ये लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती के कपड़े को इस तरह से खोलकर पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे जिसमें हम प्रिंटेक्स बनाएंगे। बीच में 1 इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे और दोनों साइड 3-3 प्रिंटेक्स बनाएंगे जिसमें हमने 4 इंच कपड़ा, मतलब दोनों साइड मिलाकर 8 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब हम पहले लाइनिंग के फ्रंट पार्ट के बॉडी के पार्ट को यहाँ पर रखकर उसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट की लाइनिंग के कपड़े को रख दिया है और ये हमने बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया है। ये हमारे कुर्ती की बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और जो लाइनिंग में स्लीव्स हमने कटिंग करी थी वही यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है तो हम पहले नाप लेंगे। हमारी 17 इंच की स्लीव्स है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 19 इंच आएगा। यहाँ पर 19 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव्स में इलास्टिक अटैच करने वाले हैं तो इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें घेरे की कटिंग करनी है। पहले इसको सीधा कर लेंगे और अब 15 इंच का पार्ट हमें निकालना है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे।
कपड़े की चौड़ाई हमारी है 42 इंच। ये फ्रंट पार्ट में हम एक पार्ट अटैच करेंगे और ये दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे, ये बैक साइड में लगेगा। ये एक लेयर हमारी कटिंग हो चुकी है। ये इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स लेंगे। ये हमने पहली लेयर कटिंग कर ली है, अब यहाँ पर हम दूसरी लेयर्स लेंगे और तीसरी लेयर्स एकदम लास्ट में लेंगे। अब पहली लेयर में हमने दो पार्ट लिए थे, तो दूसरी लेयर में अब हम यहाँ पर तीन पार्ट लेंगे। इस तरह से इसमें भी 15 इंच पर निशान लगाएंगे और तीनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप चार पार्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यह हमारी तीन पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हम चौथी लेयर्स कटिंग करेंगे। चौथी लेयर्स में हम चार पार्ट लेंगे क्योंकि कपड़ा सिर्फ 5 मीटर था। अगर इस तरह से आपको ज़्यादा लेयर चाहिए तो कम से कम आप 7-8 मीटर कपड़ा लें, तो उसमें हमारी प्लेट ज़्यादा आएगी और हमारा घेरा ज़्यादा बनेगा। यहाँ पर इस तरह से 15-15 इंच पर निशान लगाकर हमने चारों लेयर्स को कट कर लिया है। अब ये हमारी आखिरी लेयर्स है, इसमें चार पार्ट अटैच हो गए। यह हमारी सेकंड लेयर, इसमें तीन पार्ट है, और ये फर्स्ट लेयर बॉडी के साथ अटैच होगी, इसमें दो पार्ट है। हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे। अब हम मशीन पर आ गए हैं, पहले हम प्रिंटेक्स बनाएंगे। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाकर पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगा ली है हमने, अब बीच में एक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड आधा आधा इंच बराबर कपड़ा छोड़कर इस तरह से बीच में सिलाई लगा लेंगे। अब हम पहला पिंटेक्स बनाएंगे। इस तरह से आधा इंच मार्जिन रखकर जो हमने 1 इंच की पट्टी फोल्ड की है उसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे, पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये पहला प्रिंटेक्स बन गया है। अब दूसरा भी आधे इंच का मार्जिन रखकर पहले प्रिंटेक्स के निशान के हिसाब से उसके एकदम बराबर सिलाई लगाएंगे। अब तीसरा प्रिंटेक्स भी इसी तरह से बना लेंगे। अब हम लाइनिंग के साथ इसको रखकर चेक करेंगे, ये बिल्कुल बराबर आ गया है, मतलब हमारे प्रिंटेक्स सही नाप से बने हैं। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आधे आधे इंच का मार्जिन रखकर प्रिंटेक्स बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड बना लिए हैं और इसको पानी लगाकर अच्छे से प्रेस लगा लिया है और इसको बैठा लिया है। अब हम इस तरह से लाइनिंग पर अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट को भी इस तरह से लाइनिंग पर अटैच कर इसको सिलाई लगा लेंगे। इसको मैंने सिलाई लगा कर अटैच कर लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पर 5 इंच है, उसका आधा 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और लंबाई है 6 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाकर गले की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, डोरी वाला गला बनाएंगे। ये इस तरह से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको लाइनिंग के कपड़े पर चिपका लेंगे। ये मैंने चिपका कर इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसको कुर्ती के कपड़े पर रखकर अटैच कर देंगे। ये यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये डोरी मैंने बनाई है और इसमें लटकन लगाए हैं। अगर आपको डोरी लुक बनानी नहीं आती तो मैंने मेरे अगले वीडियो में दिखाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये यहाँ पर इसके किनारी पर हमें बिल्कुल सिलाई लगानी है। ये इस तरह से इसको रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी डोरी रखेंगे,
और सिलाई लगा लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि डोरी की वजह से अंदर कपड़ा ज़्यादा है। अब इसको इस तरह से पलटा लेंगे। पलटा कर यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। ये हमने फ्रंट साइड का गला बना लिया है। अब यहाँ पर बैक साइड का गला भी मैंने उरेब पट्टी लगाकर बना लिया है। जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ उसी तरीके से ये मैंने बनाया है। अब ये पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखकर शोल्डर को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दूसरी तरफ भी, और ये शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम गले की पट्टी को इस तरह से मोड़कर इसको भी अटैच कर लेंगे। ये गले की पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स का सेंटर हम कुर्ती के सेंटर से आधे इंच फ्रंट साइड की तरफ नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर रखकर इस तरह अटैच कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स को भी इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब मैंने स्लीव्स की किनारी पर पीको कर लिया है। आपके पास पीको नहीं है तो आप इसको बारीक फोल्ड कर ले। अब हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे, जिसकी लंबाई है 6.5 इंच। यहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़कर इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक को खींचते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब हमने घेरे का पार्ट ले लिया है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स लगाएंगे। ये कपड़ा पहले इस तरह से रख लेंगे और फिर हम यहाँ पर 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को अंदर की तरफ खिसकाते जाएंगे, तो प्लीट्स अपने आप बनती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को सिर्फ अंदर की तरफ धकेलना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखे, ये इस तरह से प्लेट्स बन चुकी है। अब ये प्लेट्स बनाकर ये पार्ट को हम फ्रंट साइड पर अटैच करेंगे। बैक साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। अब ये यहाँ पर हम नाप लेंगे कि ये हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो अब हम इसको कटिंग नहीं करना है। अब ये इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और फिर हमारे अंगूठे की मदद से पीछे के कपड़े को इस तरह से दबा लेंगे और जहाँ जहाँ कम प्लीट्स आई है वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा अंदर खिसकाते जाएंगे और थोड़ी प्लीट्स लेते जाएंगे और देखते जाएंगे। जहाँ पर कपड़ा बराबर हो जाएगा तो हम प्लीट्स लेना बंद कर देंगे। ये देखे, ये हमने फ्रंट पार्ट अटैच कर लिया है। बैक साइड भी इसी तरह से अटैच करेंगे। अब हम लाइनिंग को यहाँ पर बड़ी प्लीट्स लेकर, नॉर्मल प्लीट्स जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से लेकर इसमें लाइनिंग भी अटैच कर लेंगे। ये देखे, ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमारी चेस्ट है 34, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 इंच आएगा। यहाँ पर हमने मार्जिन दिया था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर पहले निशान लगाकर अंदर चेक करेंगे 17 इंच है या नहीं। यहाँ पर 17 इंच आ गया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 28, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 इंच आएगा। यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन देकर अंदर 14 इंच चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा बराबर आ गया है। अब यहाँ पर निशान लगाकर इसको जोड़ देंगे। पहले इसकी शुरुआत हम आर्म होल से करेंगे, सेंटर में रखकर इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर सिलाई को यहाँ तक ही लगाएंगे और फिर इसको डबल कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स पर भी सिलाई लगाकर
डबल सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर पूरा कर लेंगे। अब हम पहले कुर्ती के पार्ट को जोड़ लेंगे। ये इस तरह से हमने जोड़ लिया है। अब हम लाइनिंग को जोड़ेंगे, कुर्ती का पार्ट हटाकर फिर लाइनिंग को हम जोड़ेंगे। ये हमने दोनों साइड जोड़कर इसको अटैच कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट लेंगे, जिसकी तीनों लेयर मैंने जोड़कर इसको एक साइड पीको करा है और एक साइड इस तरह से मोड़ लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब जहाँ पर पीको किया है उस साइड को यहाँ पर अंदर रखकर पहले जिस तरह से हमने दो उंगलियों की मदद से प्लीट्स ली थी उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ले लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखें, ये हमारी फ्रिल इस तरह से बनती जाएगी। ये मैंने पूरे में फ्रिल बना ली है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो फ्रिल हमने बनाई है जो इसके नाप से आ रही है बड़ी है या छोटी है। ये इस तरह से यहाँ पर अभी बराबर आ रही है। अब हम इसको पहले लेयर के साथ अटैच कर लेंगे। ये इसको इस तरह से रखकर इसके जोड़ से शुरुआत करेंगे और इसको रखकर इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें। ये देखिए, ये इस पार्ट को हम यहाँ ऊपर से जो हमने पीको किया है उसको दबाते जाएंगे। वो सिलाई के साथ अंदर दबना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फ्रिल हमारी ऊपर नज़र नहीं आएगी। तीसरी लेयर को भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे जो मैंने नहीं दिखाया है। ये देखिए, ये लेयर अटैच करने के बाद आखिर में कपड़ा एक लगभग एक इंच थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको इस तरह से अंगूठे की मदद से नीचे का कपड़ा दबा लेंगे और ऊपर कपड़ा खिसकाते जाएंगे और थोड़ी सी प्लेट्स लेते जाएंगे। ये इस तरह से तो ये बराबर हो जाएगा और फिर हम इसको यहाँ पर पूरा कर लेंगे। ये देखिए, ये दो लेयर्स लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। अब हम आखिर लेयर भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये कुर्ती को मैंने पूरा कर लिया है और इसका ये फाइनल लुक है। तीनों लेयर लगने के बाद लाइनिंग के कपड़े को भी नीचे से मोड़ लिया है और कुर्ती को नीचे से मैंने पीको किया है। इसका फाइनल लुक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।